आज हम लाए हैं अपने चैनल पे एक गेमिंग मॉनिटर को अनबॉक्स किया हम। तो ये हमारा गेमिंग मॉनिटर है, इसका कैसा सिचुएशन है और क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और आप देख सकते हैं ये पीछे हमारा गेमिंग मॉनिटर है, इसको हमने सॉल्व किया। फिर आगे वीडियो में आपको पूरी इसकी कैसे हमने इसको ऑर्डर किया, कैसे वो हमारे पास आया, कितने दिन में आया और क्या इसमें इसके साथ हमें मिला है, बॉक्स के साथ अनबॉक्सिंग पूरी हम इसकी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आ गए अपने बॉक्स के पास, ये हमारा बॉक्स है, मॉनिटर का बॉक्स जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ये गेमिंग मॉनिटर है जो कि हमने गेम के लिए मंगाया हुआ है। ये बॉक्स मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करनी है हमें। ये गेमिंग मॉनिटर हमने अमेजोन से मंगाया है। ये पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा। मॉडल नंबर इसमें है G1927 करके, ये मॉडल नंबर है लेनेवो का, आपको इजीली अमेज़न से मिल जाएगा। और ये सारे इसके जो इसमें इंफॉर्मेशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी डेट वगैरह सब कुछ का, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सिटी, टाउन जो भी है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये लॉकडाउन में हमारे पास आया हुआ है, तो अब हम इसकी चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करना है, देखते हैं इस बॉक्स ओपन करने का क्या हमें मतलब इसका कैसा अनुभव रहता है। तो ये बॉक्स ओपन करने के लिए हमें ऊपर से एक छोटा सा इस तरह का लॉक टाइप का है, उसको निकाल लेना है। लॉक नहीं है वो, एक टेप टाइप मारा हुआ है, टेप को हटा लेना है, वो ये बॉक्स खुला। और ये बॉक्स कुछ जैसे आपका ट्रॉली बैग या कोई सूटकेस की तरह ओपन हो जाता है। इसमें से हमें देखिए क्या क्या मिलता है। ये हमारा लोअर स्टैंड है इस मॉनिटर का, इसको हम साइड रखते हैं अभी और देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा HDMI केबल है इस मॉनिटर के लिए, HDMI केबल लेनोवो में आपको मिलता है तो अच्छी बात है ये। और ये इसका यूज़र गाइड है, जो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको भी प्रॉब्लम हो इससे गाइड देख सकता है कैसे क्या करना है। और ये इसका मिडिल स्टैंड था, इसको भी हम साइड रखते हैं, पावर केबल है। और हम ये ऊपर का थर्माकोल इसका हटा देते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी हुई है जिससे इस मॉनिटर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ इसके ट्रैवलिंग में या कुरियर में कोई टूटने उठने की प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए काफ़ी मोटा थर्माकोल लगा के इसको एकदम मतलब सेफ किया गया है। तो हम इसको खोलते हैं और निकालते हैं इसको इसमें से। भाई हमें भी थोड़ा डर लग रहा है ये मॉनिटर, भाई मॉनिटर एक्चुअली स्क्रीन होती है, टूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको निकाल रहे हैं इसमें से, ये हटाते हैं, हम इसका कवर हटा लेते हैं। और हमें भी थोड़ा डर लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये आप मॉनिटर देख सकते हैं लेनेवो का, और ये 27 इंच का ये मॉनिटर है, गेमिंग मॉनिटर 165 हर्ट्ज़ के लिए, जो कि वो एक्चुअली ये गेम के लिए बना हुआ है। और ये एक्चुअली ये पैनल TN VA और IPS में से आई थिंक ये VA पैनल है, TN और IPS का कम्बो। और ये देखिए हम इसका मिडिल स्टैंड इसमें अटैच कर रहे हैं, मिडिल स्टैंड और लोअर स्टैंड से ये हाथ से इसको स्क्रू टाइट हो गया है इसका। और आप देख सकते हैं ये अब मैं इस लोअर बैक स्टैंड पे मॉनिटर को इसको असेंबल करूंगा, तभी हमारा मॉनिटर स्टैंड होगा। अभी उसका हाथ पैर नहीं है जिससे वो खड़ा हो सके, तो अभी इसका हाथ पैर हम इसमें लगाएंगे। तो अभी पहले मैं इसको साइड रखता हूँ, अब मैं दूसरा इसमें ये यूज़र मैनुअल में मैं टाई वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, ये एक लॉक है, वायर लॉक है, वो वायर में लॉक हो जाएगा, बैक साइड में लगता है वो लोअर बैक पे। और ये HDMI केबल है और कुछ ऐसा तो है नहीं, पावर केबल तो अच्छी चीज़ है कि भाई चाइना में बना हुआ है ये मॉनिटर, बट इंडियन वेरिएंट का पावर केबल आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ साइड करते हुए हम इस मॉनिटर को अब इसके बैक साइड के उसका जो स्टैंड है उस पर कनेक्ट करेंगे। तो हम इस बॉक्स को बंद करते इसे निकाल लेते हैं और इसी के ऊपर रख कर हम इसको करेंगे, लगाते हैं इसका बैक साइड का स्टैंड। और आपको पीछे बैक साइड में क्या क्या है ये देखिए, इसका पावर प्लग है, HDMI पोर्ट है और डिस्प्ले पोर्ट है, और आपको एक ऑडियो आउटपुट पोर्ट मिलेगा
जिससे आप इस मॉनिटर के थ्रू आउटपुट निकाल सकते हैं। आप हेडफोन जैक है वो लगा सकते हैं उसमें, हेडफोन माइक जो भी है, माइक नहीं लगा सकते सॉरी, हेडफोन लगा सकते हैं। और ये मॉनिटर आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर निकल गया है और क्या ही लुक लग रहा है इसका। एक्चुअली बहुत ऑसम मॉनिटर हमें लगा। हम भी बहुत रिसर्च कर रहे थे कौन सा मॉनिटर लेना है, कौन सा किसको दिया जाए भाई, कौन सा सफिशेंट रहेगा अपने। तो ये हमें बहुत अच्छी मिल गया, अच्छी डील पे मिल गया हमें अमेजोन पे। तो डील हमारी बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में मॉनिटर ये बहुत महंगा था, तो भाई आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और भी हमारे जो भाई दोस्त हैं उनसे आप शेयर करिए ये। अगर उनको मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर लेने में मतलब दिक्कत हो रही है कौन सा लिया जाए। स्क्रीन बहुत अच्छी इसकी कर्व है, 1500 कर्वेचर है। और इसका आप मॉनिटर को देखिए, स्टैंड हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। इसको आप ये बैंड भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इस तरह से। केवल ये रोटेट नहीं होता है, तो आप केवल हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इसको बैंड कर सकते हैं हल्का फुल्का। हाइट तो काफ़ी एडजस्ट हो रही है, बैंड थोड़ा बहुत होता है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं उतना उसको। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रही है। और आपको इसमें और भी वीडियोस के जो भी, जैसे इस तरह से कंप्यूटर और वो मॉनिटर या कोई भी सर्विस टाइप कोई भी चाहिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं PS टेक्नोलॉजी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो हमने कुछ गेम भी प्ले किए हैं इसमें। तो एक्चुअली में गेम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, और मतलब जो गेम का मेन गेम के लिए लिया गया था वो मतलब गेम को पूरा जस्टिफाई करता है कि हाँ ये गेमिंग मॉनिटर, मतलब आपको उस पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने गेम में। और हम दिखाते हैं इस पर कैसे 144 हर्ट्ज का, अभी मैं इसको अपना मतलब इसका जो पावर है 144 हर्ट्ज वो कैसे लेना है। आप सेटिंग में जाएंगे अपने ग्राफिक्स कार्ड के, उसमें रेजोल्यूशन के साइड में आपको दिखेगा फ्रेम रेट, वहाँ से आप 144 हर्ट्ज सेट कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। और 165 हर्ट्ज के लिए आपको डिस्प्ले पोर्ट से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर ऐसी कोई चीज़ चाहिए या कंप्यूटर मॉनिटर पूरा सीपीयू, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा। आप हमें वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी हम वीडियो डालते रहते हैं। और आपको कोई भी ऐसी डिटेल, अभी कोई भी इस तरह की गेमिंग कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर या सर्विस किसकी किसी भी चीज़ के लिए अगर वाराणसी में कोई ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉल करिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। ऑनलाइन भी हम टैकल करते हैं कोई भी चीज़ों को। तो ये आज इस मॉनिटर का हमने अनबॉक्सिंग किया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, जिनको भी ज़रूरत हो अगर इस तरह की कोई चीज़ें, तो आप वो हमसे ले सकते हैं।